का दफ्तरी वफद नवाज शरीफ पेश हुए, ना किसी और के बड़े कदम। नैब लाहौर ऑफिस में रावलपिंडी से आई टीम इंतजार करती रही, शरीफ फैमिली जाती उम्रा में दलाल तैयार करती रही। ख्वाजा हारिस समेत कानूनी टीम से मुशावरत, नैब से सवालनामा तलब। कौमी एहतसाब ब्यूरो के रावलपिंडी और लाहौर में अहम इजलास। रावलपिंडी में चेयरमैन की ज़ेरे सदारत इजलास में शरीफ फैमिली के खिलाफ रेफरेंस की तैयारी और तफ्तीशी उमूर पर तबादला ख्याल। कमरुज़्ज़मान चौधरी ने हिदायत दी कि नैब के अफसर बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखें। लाहौर में इजलास में वॉल्यूम 10 पर बातचीत, अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए प्लान तरतीब। नवाज शरीफ की अदलिया मुखालिफ तकरीरों पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म की रैली के दौरान अदलिया के खिलाफ तकरीरें तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कल वज़ीराबाद जाएंगे। नवाज शरीफ लाला मूसा में रैली के दौरान गाड़ी के नीचे आकर जाबहक होने वाले बच्चे के घर भी जाएंगे। वज़ीराबाद जाने का फैसला रैली के शहर में ना रुकने और कारकुनों के साथ पर किया। नवाज शरीफ के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए जाना चाहता था आसिफ जरदारी। कहते हैं गैर सियासी कुव्वत की खुशनूदी के लिए नवाज शरीफ ने मिलने से इनकार कर दिया। किसी एक शख्स को बचाने के लिए कैसा ग्रैंड डायलॉग। एतजाज हसन उनकी आवाज़ हैं, रजा रब्बानी आज़ाद दानिश्वर और चेयरमैन सैनेट हैं। मियां साहब एजेंसियों की वजह से इलेक्शन जीतते रहे, हम एजेंसियों के बावजूद इलेक्शन जीते रहे। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं नवाज शरीफ का खेल खत्म हो गया, उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो उनके अपने किए का फल है। -1 का फॉर्मूला पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चल सकता। कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। कुलसूम नवाज ने हकायक छुपाए, कागजात की मंजूरी हकायक के मुनाफी है। अवामी तहरीक के इश्तियाक चौधरी की दरख्वास्त पर इस्तदा। लाहौर के हलका एन ए 120 का जिमनी इलेक्शन, राजगढ़ के इलाके में पीटीआई और नून लीग के कारकुन आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। मोटरसाइकिलों और कारकुनों का शोर सुनकर लोग घरों से बाहर निकल आए। नून लीग के इत्तेहादी रहेंगे, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं नैब डिक्टेटर की तख्लीक है, इसे आजादाना किरदार अदा करने का मौका दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट को नैब की निगरानी के लिए जज मुकर्रर नहीं करना चाहिए था, अवाम की ताइद से ला ताल्लुक होकर कोई जमहूरियत का सोच ही नहीं सकता। नवाज शरीफ एफजेड कैपिटल के चेयरमैन और कसूम नवाज डेप्यूटी चेयरपर्सन है। फवाद चौधरी का कहना है कि नैब का अशराफिया के एहतसाब की तरफ पहला कदम है, अगर ये नैब में पेश ना हुए तो समझा जाएगा कि ये जवाब देने में नाकाम है। करप्शन करने वाले इनकलाब की बातें कर रहे हैं। इस्लामाबाद के 3 टूर ऑपरेटर्स 300 से ज्यादा आजमीन हज से 10 करोड़ रुपए लेकर रफू चक्कर। मुतासरीन का एहतजाज, कहते हैं हर आजिम ने 4,60,000 रुपए दिए, टूर ऑपरेटर्स पासपोर्ट और टिकट समेत गायब हो गए। वजारत मजहबी उमूर ने नोटिस ले लिया, मुतासरीन के वक्त को मुजाकरात की दावत। कराची के इलाके गुलशन हदीद में बच्चे का कातिल गिरफ्तार, मुल्ज़िम की शनाख्त तसव्वुर अब्बास के नाम से हो गई। आलाए कत्ल, खून आलूद छुरी, खून आलूद कपड़े और चप्पल बरामद। मुल्ज़िम गुलशन हदीद का रिहायशी और पाकिस्तान स्टील मिल्स में मुलाजिम है। सुभान नामी बच्चा 14 अगस्त को लापता हुआ, 2 दिन बाद लाश झाड़ियों से मिली। कराची के इलाके नाजमाबाद में सन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कॉरपोरेशन इमारत में मिसमार करने पर लोग मुश्किल, टीम पर पथराव, एसपीसीए टीम के अमले ने भागकर जान बचाई। पेशावर डेंगू मच्छर के निशाने पर, खैबर टीचिंग अस्पताल में मजीद 44 मरीज दाखिल, अस्पताल लाए गए मुतासर अफराद की तादाद 831 हो गई। डेंगू से मुतासर इलाके के मकीनों का एहतजाज, सूबाई वजीर सेहत ने 21 अगस्त को इजलास बुला लिया। उधर हाई कोर्ट में केस की समाअत, सेक्रेटरी सेहत समेत हुकाम मंगल को तलब।
बोर्ड ने उमर अकमल के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड से निकालने की बात गलत बयानी है। फिटनेस बेहतर करने के लिए 7 मौके दिए गए। पीसीबी शो कॉज नोटिस के जवाब का भी मुंतजर। इससे पहले उमर अकमल ने मिकी आर्थर पर नया इल्जाम लगाया। कहा फिटनेस टेस्ट में जानबूझकर फेल किया। इंटरनेशनल फुटबॉलर्स के बाद चैंपियन बॉडी बिल्डर्स की पाकिस्तान आमद। अमरीकी आइकॉनिक बॉडी बिल्डर कार्ग्रेन समेत 15 इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर शामिल। कल से होने वाले इवेंट में नेशनल और इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स हिस्सा लेंगे। जाल में फंसे वेल के बच्चे को आजादी मिल गई। महकमे वाइल्ड लाइफ के अमले ने बलूचिस्तान के साहिल के करीब वेल के बच्चे को पानियों में छोड़ दिया। वेल का बच्चा गुज़श्ता रोज मछेरों के जाल में फंस गया था। स्पेन के सियाहती मकाम रमलास में दहशत गर्दी के खिलाफ हजारों अफराद का मुजाहिरा। वाकये में मारे जाने वालों की याद में शमय रोशन। एक मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। मुल्क में 3 रोजा शोक। ताइवान में चोरी की समुराई तलवार से मुसल्ला शख्स की सदाफ्ती महल में घुसने की कोशिश। रोके जाने पर मिलिट्री पुलिस के अहलकार को जख्मी कर दिया। महल के मुहाफिजों ने काबू करके तहकीकात के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया।